किसान भाइयों नमस्कार, मैं किन सिंह, आप सभी भाइयों का आपके अपने चैनल इंडियन फार्मिंग ज्ञान में एक बार फिर से स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से भिंडी की एक हाइब्रिड किस्म के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है शिवांश, जो नूनहैम जैसी अच्छी कंपनी का बीज है, जो लंबे समय तक चलने वाली किस्म है। भिंडी की पैदावार में शायद ही कोई हाइब्रिड किस्म हो जो इसका मुकाबला कर सके। इस किस्म की बुआई हम गर्मी और बरसात दोनों सीजन में कर सकते हैं। गर्मी में बुआई के लिए फरवरी मार्च और बरसात में बुआई के लिए जून जुलाई बेहतरीन समय है। वैसे हम इस किस्म की बुआई फरवरी से लेकर सितंबर तक कभी भी कर सकते हैं। भिंडी के जमाव के लिए 20 से 25 सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। 17 सेंटीग्रेड से नीचे तापमान होने पर भिंडी के बीज में अंकुरण नहीं होता है। कुछ राज्यों में जहाँ जनवरी में तापमान 17 सेंटीग्रेड से ऊपर आ जाता है, तो वहाँ के किसान जनवरी में ही भिंडी की बुआई अगेती के रूप में कर देते हैं, जिससे उनकी फसल में भिंडी की तुड़ाई मार्च से ही होने लगती है। मार्च में भिंडी का रेट हाई होने के कारण भिंडी की खेती से उन्हें बढ़िया कमाई हो जाती है। शिवांश पौधे की हाइट मध्यम होती है और इसके पौधे से अधिक शाखाओं का फुटाव होता है, जिससे हर पौधे से अधिक फूल व फल आते हैं, जिससे भिंडी की अधिक पैदावार मिलती है। शिवांश की फसल जैसे ही लगभग 30 से 35 दिन की होती है तो उसमें फूल आने शुरू हो जाते हैं। जैसे ही फसल पड़वाल लेते हुए लगभग 50 दिन की होती है तो भिंडी की पहली तुड़ाई हो जाती है। उसके बाद निरंतर पूरे फसल अवधि में 1 से 2 दिन के अंतराल पर भिंडी की तुड़ाई होती रहती है। इसके फल की लंबाई मध्यम यानी लगभग 14 से 15 सेंटीमीटर तक होती है। इसकी भिंडी छरहरे आकार की मुलायम और गहरे हरे रंग की होती है। इस किस्म की बुआई हम उन सभी क्षेत्रों में कर सकते हैं जहाँ भिंडी की खेती सफलतापूर्वक की जा सकती है। प्रति एकड़ बुआई के लिए बीज दर की बात करें तो प्रति एकड़ बीज दर लगभग 3 से 4 किलो लगता है। इसकी बुआई करते समय कतार से कतार की दूरी 25 से 30 सेंटीमीटर एवं कतार में पौधे से पौधे की दूरी 15 से 20 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। बीज की बुआई के पहले भिंडी के बीज को 3 ग्राम प्रति किलो के हिसाब से कार्बेंडाजिम से बीज शोधन जरूर कर लेनी चाहिए, जिससे फफूंद बीमारियों से फसल बची रहेगी। इसमें सिंचाई की बात करें तो मार्च में 10 से 12 दिन पर, अप्रैल में 7 से 8 दिन पर, मई जून में 4 से 5 दिन पर करते रहना चाहिए। बरसात में निरंतर बरसात होने की स्थिति में सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है। बरसात न होने की स्थिति में समयानुसार सिंचाई करते रहना चाहिए। इसके बीज के रेट की बात करें तो यह बीज की दुकानों पर 6000 रुपये प्रति किलो के रेट से मिल जाता है। किसान भाइयों, नूनहैम्स का शिवांश भिंडी वाकई में एक बेहतरीन हाइब्रिड किस्म है। किसान भाइयों, यदि आप भिंडी की खेती करके बढ़िया मुनाफा कमाना चाहते हैं तो शिवांश आपके लिए बहुत बढ़िया किस्म साबित होगी। किसान भाइयों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।